Students, in the previous lecture, we have already discussed about the chemical reactions of monosaccharides which are reacted due to aldehyde and ketonic group. तो हमने लास्ट लेक्चर में aldehydic और ketonic group की जो भी reactions थी वो complete करी, जिसमें हमने we have already discussed about the tautomerization and epimerization process, ozone formation हम discuss कर चुके हैं, reduction and oxidation reaction ये सब हम discuss कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा next आ जाता है कि chemical reaction of monosaccharides, but ये chemical reaction किसके कारण होती है? Due to alcoholic group। अब alcoholic group है, उसके साथ जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके किस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। सो रिएक्शन ड्यू टू, आज हम कवर करेंगे दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप्स, रिएक्शंस ड्यू टू अल्कोहल अल्कोहलिक ग्रुप्स। जो अल्कोहलिक ग्रुप्स है मोनोसैकेराइड्स में, अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें रिएक्ट करके, अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्ट करके किस तरह की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या हम इसमें पढ़ेंगे एस्टेरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन एंड ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, तीन तरह के रिएक्शन हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले एस्टरीफिकेशन, नेम से क्लियर है कि इसमें ईस्टर की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें जो स्टडी करेंगे दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन से इसमें एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, और वो प्रोडक्ट क्या होता है? दैट प्रोडक्ट इज फुरफुरा। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है, दैट कंपाउंड नेम इज फुरफुराल, उसको फुरफुराल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, इन दिस वी कैन से दैट फुरफुराल फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ फुरफुराल। और जो हमारी लास्ट इसमें रिएक्शन पड़ेंगे जो कि अल्कोहल के कारण, अल्कोहलिक ग्रुप के कारण रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ बनाएंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरह से, C ऊपर aldehydic ग्रुप आ जाता है और काइरल कार्बन्स, देन CH2OH। इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, this is the structure of, then hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen, this is the structure of glucose, we
विच इज अ मोनोसेक्राइड, हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसकी एस्टरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम ट्रीट करेंगे फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है ओ इसको हम ट्रीट करेंगे फॉस्फोरिक एसिड। जब हम इसको फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये या तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगा। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ ये जो ग्रुप है फॉस्फेट का ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रेस्ट आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, क्योंकि इसमें जब फॉस्फोरिक एसिड से ट्रीट किया तो फॉस्फेट ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ उसकी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बना सकता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें जो ऊपर का एल्डिहाइड ग्रुप है वो बिल्कुल सिमिलर होगा, नीचे 4 काइरल कार्बन आ गए विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट डिफरेंट साइड्स डिफरेंट पोजीशन एंड हाइड्रोजन अल्टरनेट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड देन सी सी एच। उसके बाद जो फॉस्फेट ग्रुप है वो नीचे ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा लाइक दिस ओ पी ओ 3। तो ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे नीचे अटैच हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन किसके साथ की जाती है, इसमें एस्टरिफिकेशन के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड यूज करने के बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज गिव द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 1 और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है एंड दिस ग्लूकोज 1 एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आर द एपिमर्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के एपिमर्स है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के एस्टर्स हैं, इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ईस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, दो ईस्टर्स बनते हैं ग्लूकोज के, दैट इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वेन रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड देन फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू आइदर द फर्स्ट कार्बन, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन इसकी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, देन इट फॉर्म द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आई और इट अटैच टू द सिक्स्थ पोजीशन, जो सिक्स्थ पोजीशन पे जो ग्रुप है उसके साथ उसकी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉर्मेशन हो जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। और ये किसकी रिकैप कर देगा, दो ईस्टर्स की फॉर्मेशन, ये दोनों ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोथ आर ईस्टर्स ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के ईस्टर्स है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात करें तो आपको पता है डिहाइड्रेशन में डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, जहाँ पे रिमूवल हो जाती है वाटर की, तो ये टर्म से क्लियर है डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर।
पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ग्लूकोज में से वॉटर की रिमूवल होना. अब वो रिमूवल कैसे होगी? व्हेन मोनोसेक्राइड्स ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. जब हम मोनोसेक्राइड्स को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या रिलीज करता है? दैट अंडरगोज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस. तो वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन दैट इज कॉल्ड एज फुरफुराज. जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? फुरफुराज. अब इसमें कैसे बनते हैं फुरफुराज? सबसे पहले तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है हमने, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. देन इसमें हम क्या करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करेंगे, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड ग्लूकोज. ये ग्लूकोज इसमें हमने एडिशन किया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 कंसंट्रेटेड. अब इसकी एडिशन से क्या होगा? रिमूवल होगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में. तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा? तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी दैट इज लाइक दिस, फुरफुराज बनेगा. अब ये फुरफुराज जो स्ट्रक्चर होते हैं ये किस तरह के होते हैं? ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप सिमिलर है, देन उसके बाद जो बॉन्ड है C के साथ, C डबल बॉन्ड, देन C विद हाइड्रोजन एंड देन अगेन डबल बॉन्ड आ जाता है और उसके बाद CH2OH. उसके बाद यहां से किसकी अटैचमेंट होगी? O ग्रुप की, कार्बन की. ये एक कार्बन इसमें रह गया है, फिफ्थ कार्बन के साथ जो हमारा जो फर्स्ट कार्बन है, जो हमारा फिफ्थ कार्बन के साथ जो हमारा जो काइरल कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगा और नीचे CH2OH. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फुरफुरा. ये फुरफुराल का स्ट्रक्चर है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरा. हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरा. सो नेक्स्ट जो हमारी जो रिएक्शन थी दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या आ जाता है? फुरफुराज की फॉर्मेशन होती है क्योंकि इसमें क्या होता है रिमूवल. जब मोनोसेक्राइड्स को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है. डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर. 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो जाते हैं और वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? फुरफुराज की फॉर्मेशन करते हैं. और वो जो फुरफुराज बनता है दैट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुराज. ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. और ये जो फुरफुराज जो बनते हैं केमिकली बहुत एक्टिव होते हैं. ये फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके, जैसे अल्फा नेफ्थोल है उनके साथ रिएक्ट करके कलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं. फुरफुराल ये क्या होते हैं? केमिकली एक्टिव होते हैं. ये फिनोलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करके, फिनोलिक ग्रुप में जैसे अल्फा नेप्थॉल फिनोलिक कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करके कैसा प्रोडक्ट देते हैं? कलर्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं. कलरफुल प्रोडक्ट बनाते हैं. कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन.
सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन जो कि मोनोसेक्राइड में अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करके फुरफुराल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं. एंड दैट फुरफुराल्स आर वेरी एक्टिव, केमिकली बहुत एक्टिव होते हैं वो, जो कि अल्फा जो फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करके एक कलर्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन. अब बात करें जो हमारी थर्ड रिएक्शन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में क्या होते हैं, जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो कैसे बनते हैं, जब हम शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर ग्लूकोज जिसको कहते हैं उसको हम हीट करते हैं, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की प्रेजेंस में. और इसमें क्या होता है, HCl एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो वो ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन करता है. ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे. अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जैसे डी ग्लूकोज होता है उसके सिमिलर ही होता है सी डबल बॉन्ड एच, उसके बाद फोर काइरल कार्बन सी, सी के साथ हाइड्रोजन एंड देन उसके बाद सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं OH, hydroxyl group. Then, उसके बाद सारे हाइड्रोजन आ जाते हैं अब हम अल्फा डी ग्लूकोज बना रहे हैं. अल्फा डी ग्लूकोज में ये जो कार्बन है ये किसके साथ अटैच है, अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये इस तरह से बनता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया. अब इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, विद अल्कोहल ग्रुप के साथ, अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे. अल्कोहलिक ग्रुप में अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. अब ये जो HCl है ये इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जो कि रिएक्शन को मोटिवेट करता है, कैटलाइज करता है, इनिशिएट करता है. तो इससे क्या ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज डी मिथाइल अल्फा मिथाइल डी ग्लाइकोसाइड. तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फोर काइरल कार्बन सी विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. इसमें जो स्ट्रक्चर है वो नियर अबाउट सिमिलर ही है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, 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 उसके बाद इसमें बाकी कितने हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएंगे, हाइड्रोजन, 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 और ये जो हमारा ग्रुप था ये अटैच था ऊपर फर्स्ट कार्बन के साथ विद ऑक्सीजन. सो द स्ट्रक्चर फॉर्म, द प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अल्फा मिथाइल डी ग्लाइकोसाइड, अल्फा मिथाइल डी ग्लाइकोसाइड.
this is the product which is formed when alpha D glucose, क्योंकि ये alpha position पे ये oxygen के साथ attach है, तो when alpha D glucose react with, जब इसको react किया जाता है alcoholic group के साथ in the presence of hydrochloric acid, that hydrochloric acid in this reaction act as a catalyst, catalyst की तरह act करता है जो reaction को initiate कर देता है and then formation of alpha methyl D glycoside की formation करता है, ये हमारी reaction हो गई। अब जो ग्लाइकोसाइड होते हैं उसमें दो दो पार्ट्स होते हैं, एक शुगर पोर्शन होता है और एक नॉन शुगर मॉइटी होती है। तो इसमें जो शुगर मॉइटी होती है, अगर उस शुगर मॉइटी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड। अगर उस शुगर मॉइटी में मैनोज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मैनोसाइड। दो तरह की शुगर पोर्शन होते हैं, आपको स्टार्टिंग में इनिशियल जो लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि जो ग्लूकोसाइड होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो शुगर पार्ट होता है जिसको ग्लाइकोन कहा जाता है, एक नॉन शुगर पार्ट होता है उसको ए ग्लाइकोन कहते हैं। तो उसमें जो ग्लाइकोन पार्ट होता है, शुगर पार्ट होता है, अगर उसमें दैट शुगर पार्ट इज उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस शुगर पार्ट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोसाइड। अगर उस शुगर पार्ट में ग्लूकोज की जगह मैनोज प्रेजेंट है, देन दैट इज कॉल्ड एज मैनोसाइड, तो उसको क्या कहा जाता है, मैनोसाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप। जो अल्कोहलिक ग्रुप के हमने जो रिएक्शंस हैं वो सारी कंप्लीट कर ली है, मोनोसैकेराइड की, जो कि एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप में हमने स्टडी किया था, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओसाजोन फॉर्मेशन, टोटोमराइजेशन एंड टोटो एपिमराइजेशन, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शन थी वो की थी। उसके बाद हमने की थी रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, जो अल्कोहलिक ग्रुप के साथ मोनोसैकेराइड है उसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसमें डिफरेंट रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हमने इसको इसमें एस्टेरिफिकेशन की थी, ईस्टर्स, इसमें ग्लूकोज के दो ईस्टर, ग्लूकोज कंपाउंड के दो इंपॉर्टेंट ईस्टर्स बने थे विद द हेल्प ऑफ, इसमें हमने क्या यूज किया था, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट, उसका फॉस्फेट ग्रुप है वो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाता है या फिर ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इसमें हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन की है, जिसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है, परफुराज की फॉर्मेशन होती है। परफुराज में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अब इसमें हमने क्या किया, ग्लूकोज में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की, उसकी एडिशन के बाद डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी, तीन वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से रिलीज हो गए, जिससे जो प्रोडक्ट बना दैट प्रोडक्ट इज फुरफुराल और उसका नाम था हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुराल। और ये बहुत केमिकली एक्टिव थे, ये जो फुरफुराल होता है केमिकली बहुत एक्टिव होते हैं, जिसके कारण वो जब अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं उनकी रिएक्शन के कारण वो क्या है, जो नेप्थोल है, अल्फा नेप्थोल हो गया, उस कंपाउंड फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कलर्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट इज अबाउट द डिहाइड्रेशन प्रोसेस, इन दैट फॉर्मेशन ऑफ फुरफुराल जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है। जो हमारा लास्ट रिएक्शन थी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें हमने अल्फा डी ग्लूकोज था उसको हमने अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ट्रीट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड जो कैटलिस्ट यूज फॉर दिस रिएक्शन दैट इज HCl के रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा था, और जो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म कर रहा था दैट इज ग्लाइकोसाइड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। इसमें जो ग्लाइकोसाइड बना है दैट इज अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, ग्लाइकोसाइड साइड की फॉर्मेशन हुई है। अब ये जो ग्लाइकोसाइड है इसमें भी दो पोर्शन होते हैं, एक तो शुगर मॉइटी, नॉन शुगर मॉइटी। जो शुगर पोर्शन होता है उसको ग्लाइकोन कहते हैं, जो नॉन शुगर होता है उसको ए ग्लाइकोन कहते हैं। अब अगर उस शुगर, जो ग्लाइकोन पार्ट है, उस ग्लाइकोन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको ग्लूकोसाइड कहेंगे, अगर उस ग्लाइकोन पोर्शन में मैनोज प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज मैनोसाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की केमिकल रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में तो कर चुके हैं, नेक्स्ट आ जाता है ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं।
मोनोसेक्राइड्स। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स जिसको हम डाइसेक्राइड्स भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें मोस्टली दो से ज्यादा शुगर मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो दिस इज अबाउट द मोनोसेक्राइड्स। हमारा मोनोसेक्राइड्स ओवर हो चुका है। अब इसमें ही आगे हम कार्बोहाइड्रेट्स में जो हमारे जो आगे की क्लासिफिकेशन थी और ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स आपको जो प्रीवियस लेक्चर से इनिशियल लेक्चर से बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर दिए थे उसमें हमने कवर किए थे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में हमने किया था कि एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है। ओलिगो की बात करें, ओलिगो क्या होता है, ओलिगो मींस फ्यू, सेक्राइड्स मींस मोनोसेक्राइड्स। जब इसमें कुछ मोनोसेक्राइड्स होते हैं यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करें तो उससे हमें क्या मिलती है, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसेक्राइड। अगर हम बात करें ये कार्बोहाइड्रेट्स है इसकी हाइड्रोलिसिस पे, हाइड्रोलिसिस की यानी इसका ब्रेकडाउन किया तो इससे हमें क्या मिला, मोनोसेक्राइड 2 to 10 मोनोसेक्राइड, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसेक्राइड। इनको क्या कहा जाता है, ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। अगर ये मोनोसेक्राइड इसके कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करने के बाद, हाइड्रोलिसिस के करने के बाद जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट हमें मिल रही हैं वो 10 से ज्यादा है, 10 मोर देन 10, तो वो किस कैटेगरी में आती है, दैट मोनोसेक्राइड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मतलब कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट होते हैं। अब जो मोस्ट कॉमनली ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डाइसेक्राइड्स मोस्ट कॉमनली जो हम हमारे घर पे भी डोमेस्टिक जो पर्पस के लिए यूज होते हैं, मोस्टली जो कॉमनली बहुत कॉमन होते हैं वो डाइसेक्राइड होते हैं, यानी ब्रेक डाउन पे वो सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं, तो वो ओलिगोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड्स की टाइप्स की तो इसके टाइप्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड टाइप्स, दो तरह की शुगर होती है इसमें, एक तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग।